सर नाउ आई वुड रिक्वेस्ट अंकुर जी वंस अगेन। अंकुर जी आप अपना प्रश्न जी। जी सर एज यू मेंशनड अबाउट द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज एंड वी ऑल नो दैट टुडेज एरा इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फील्ड ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज व्हाट आर द टेकअवेज फ्रॉम द यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ डीआरडीओ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आने वाला डिफेंस इक्विपमेंट में और डिफेंस आर्म्स और अम्यूनिशन में। हर एक इक्विपमेंट हर एक वेपन जो आएगा अब से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट होगा। इसलिए हम भी ये एरिया को बहुत एम्फोसिस दे रहा है, बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है। हमारा हर एक डीआरडीओ सिस्टम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रुप होगा। ये ग्रुप हर एक सिस्टम जो बाहर आएगा डीआरडीओ से उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ के वो इक्विपमेंट वो सिस्टम को बाहर लाएगा। इसलिए हमने इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सर्टिफाइड कोर्स शुरू कर रहा है यंगस्टर्स के लिए। हमारा जो इंडस्ट्री है इंस्टीट्यूट है पुणे में DIAT हर एक साल 1000 स्टूडेंट्स या जस्ट पास आउट वाला को एक सर्टिफाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग देगा। ये सर्टिफिकेट के बाद लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इम्पोर्टेंस और उनका नॉलेज बहुत बढ़ेगा और इसमें काम करने के लिए उनको बहुत फैसिलिटी होगा। और इसके अलावा हम बहुत एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स डिफेंस के माध्यम से उनका बहुत सपोर्ट भी दे रहा है। बहुत इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू कर रहे हैं।